देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को 8 बजे जारी बुलेटिन के मुताबिक देश में 24 घंटे में कोरोना के 761 मरीज मिले हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 4,334 है। सबसे खतरनाक स्थिति कर्नाटक की है, यहाँ गुरुवार को कोरोना के 298 केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ कोरोना से 4 लोगों की मौत की खबर है। सबसे चिंता की बात यह है कि राज्य में कोरोना की सकारात्मक दर भी गुरुवार को 3.46% से बढ़कर 3.82% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के दैनिक बुलेटिन में कहा गया है कि कर्नाटक में 298 नए मामले में से 172 अकेले बैंगलोर से है। अब यहाँ कुल 704 एक्टिव केस है। कर्नाटक के हसन जिले में 19, मैसूर में 18 और दक्षिण कन्नड़ में 11 केस मिले हैं। वहीं चामराजनगर से 8 मामले सामने आए हैं, जबकि बल्लारी और कोपाला में 6 और 3 नए केस मिले हैं। तुमकुरु, विजयनगर और चिकमगलूर में 5-5 एक्टिव केस मिले हैं। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में भी केस बढ़ रहे हैं। यहां गुरुवार को कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के 78 केस मिले हैं। अब तक यहां 110 मरीज मिल चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 171 नए केस दर्ज किए गए हैं। कोविड मामलों के आंकड़े में बढ़ोतरी के चलते और JN.1 सब वेरिएंट का पता चलने के बाद से केंद्र शासित प्रदेशों से निरंतर निगरानी बनाए रखने को निर्देश दिए हैं। साथ ही कोरोना के प्रसार के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से समय समय पर नए गाइडलाइन भी जारी किए जा रहे हैं। साथ ही राज्य और यूटी प्रदेशों को इन सभी गाइडलाइन को सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।